आज मैं बात करने वाली हूँ ड्रिंक्स की. सो जो ड्रिंक्स होती हैं उसमें शेक्स भी हो सकते हैं, जूस हो सकता है एंड स्मूदीज हो सकती हैं. वो ज़रूरी नहीं है कि अगर वेदर चेंज हो गया है हमें ड्रिंक समर के लिए ही छोड़ देनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता. ये भी फूड है, हमें विंटर में, स्प्रिंग और फॉल, हर वेदर में इसे कंटिन्यू करना चाहिए. इतना है कि समर में थोड़ा ठंडे वे में जो ठंडा होता है आइस डाल के पीना लाइक करते हैं. आप आइस मत डालिए, वैसे भी आइस अच्छी नहीं है, हमें नहीं पीना चाहिए इतना ठंडा. और समर में भी आप इसे, विंटर में भी सॉरी, आप इसे कंटिन्यू कर उसमें मैं कंपल्सरी करती हूँ कि एक या दो बार हफ्ते में मैं शेक्स लूँ जो भी फ्रूट मेरे पास अवेलेबल है. और ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि कभी आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ब्रेकफास्ट बनाने का और आप कम्प्लीटली 100% रेडी हो गए हो कि आज मुझे स्किप करना ही पड़ेगा, एनी हाउ मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना बनाने का ना खाने का. सो उस टाइम आप जस्ट एक 1 मिनट निकाल के फटाफट से अपना शेक बनाइए और जाते जाते ही पी सकते हो, कार में, बस में, और पैदल जा रहे हो पैदल जाते जाते पी लो. जाते जाते पी लिए, आपका ब्रेकफास्ट भी हो गया, आपको न्यूट्रिशन भी मिल गया और आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना पड़ा. समथिंग कुछ आपने अच्छा खा लिया, हेल्थी खा लिया. ठंडा इसे मत ज़्यादा कीजिएगा. सो आज मैं 2 रेसिपी शेयर करने वाली हूँ यहाँ पे. एक्चुअली 2 काइंड्स ऑफ शेक, स्ट्रॉबेरी शेक एंड ब्लूबेरी शेक. बहुत ईजी है बनाना, कुछ भी टाम टोले से नहीं करने हैं, इट्स रियली ईजी एंड क्विक. लेट्स जस्ट स्टार्ट इट नाउ. तो सबसे पहले बनाते हैं स्ट्रॉबेरी शेक. ऑफकोर्स इसके लिए हमें चाहिए स्ट्रॉबेरीज. मैंने ली हैं 3 स्ट्रॉबेरीज इन द बिग साइज को, बस जो पत्ते लगे हुए हैं उसे काट के स्मॉल पीसेस में चॉप करना है. दैट्स इट, इतना ही तो काम है. अब छोटे छोटे पीसेस में काट के हम अपने ब्लेंडिंग जार में डाल लेते हैं. इसी के साथ हम डालेंगे शुगर एंड थोड़ा सा दूध. सारा दूध सेम टाइम यूज़ नहीं करना, थोड़ा सा दूध उसमें पहले ब्लेंड करेंगे इसे. तो इसमें से थोड़ा सा मैं निकाल के रख रही हूँ, 2 टेबलस्पून. बाकी का बचा हुआ दूध इसमें डाल दिया है मैंने. कंप्लीट यूज़ किया है दूध, अराउंड 1 बिग कप. तो इसे ब्लेंड कर लेते हैं. देयर यू गो. और कुछ भी नहीं करना, इतना ही तो काम था. जो मैंने थिक वाला पार्ट निकाला था स्ट्रॉबेरीज, अराउंड कपल ऑफ स्पून्स, वो इसीलिए निकाला था ग्लास को डिज़ाइन करने के लिए, थोड़ा सा नाइस लगता है. एंड घर पे कोई और आया है, गेस्ट को देना है, थोड़ा डिलीशियस सा लगे. इससे आई लाइक टू स्टेन इट. वाई, वो मैं अभी बताती हूँ क्यों. कोई भी शेक हो, मोस्ट ऑफ द टाइम उसे स्टेन करना लाइक करती हूँ बिकॉज ऑफ दिस, पार्टिकल्स रिमूव करने के लिए. स्ट्रॉबेरीज के सीड रह जाते हैं उसमें. सो देयर यू गो, वो डिज़ाइनिंग देखो कितनी अच्छी लग रही है ना. सो हमारा शेक रेडी है. कुछ भी नहीं करना इसे तो, इससे तो चाय बनाने को भी ज़्यादा टाइम लगता है जितनी जल्दी हमारा शेक बन गया. ऊपर मैंने जो मेरे पास सीड्स मिक्सचर पड़ा हुआ है वो यूज़ किया है, उसकी रेसिपी आप देख सकते हो मेरे चैनल पे. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी. अब मूव होते हैं 2nd one पे, विच इज़ अ ब्लूबेरी शेक. लेट्स जस्ट स्टार्ट इट. इसके लिए हमें चाहिए ब्लूबेरीज, आई गैस यस, हमें चाहिए ब्लूबेरीज. बंच ऑफ ब्लूबेरीज ब्लेंडिंग जार में डाल लीजिए. थोड़ा सा ही दूध डालना है पहले. लेट इट ब्लेंड इट प्रॉपरली. अब इसमें मैंने डाला है 1/4 teaspoon ऑफ सिनेमन पाउडर एंड चिया सीड, सबके फेवरेट है आजकल. एंड 2 टेबल टीस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर के. एंड उसी के साथ बचा हुआ दूध डाल दिया, 1 ग्लास दूध का यूज़ किया है. तो यू गो, हमारा ये भी शेक रेडी है. इसके ऊपर थोड़े से सीड्स डालने हैं, नट पाउडर डालना है, आपकी चॉइस है. अब पी जाइए, देख क्या रहे हो, ड्रिंक इट, इंजॉय. तो वीडियो में समझने वाला ऐसा कुछ भी नहीं था, रियली इजी एंड सिंपल. तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो मैं जो भी हेल्थी एंड नाइस स्टफ लाऊं डे बाय डे तो वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी अगर आप उस बेल बटन को प्रेस कर दोगे. तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.